वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नमकीन दलिया। जी हाँ, गोश्त का दलिया जो होता है कुरमे का, वो वाला हम दलिया बनाएंगे। और ये खिचड़े की तरह ही लगता है, लेकिन खिचड़े से बनने में वक्त बहुत कम लगता है। खिचड़ा यानी कि हलीम जब भी हम बनाते हैं तो उसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब ये दलिया आप बनाएंगे तो ये बहुत कम वक्त में बन जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका। और ये दलिया हम बनाएंगे लेफ़्ट ओवर कोरमे से, जो कि कोरमा वगैरह हम घर में बनाते हैं और वो बच जाता है, उसी कोरमे से हम बनाएंगे इसे। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ वाला रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसके साथ ही बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप सामान नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने दलिया लिया है, ये रोस्टेड है, क्योंकि मैं हमेशा अपने पास रोस्टेड दलिया रखती हूँ। अगर आपके पास रोस्टेड दलिया नहीं है तो आप सिंपली जो बाजार से दलिया मिलता है वो लेके आइए, और तवे पर उसे पैन में उसे ड्राई ही रोस्ट कर लीजिए। और कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क कलर हो गया, ऐसे एकदम डार्क ब्राउन कलर हो गया, तो उससे दलिया का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए इसे हल्का ही रोस्ट करके ले आप। चने की दाल लेंगे, यहाँ पर हम अरहर की दाल का यूज़ करेंगे, उड़द की दाल है ये, मूंग की दाल है। यहाँ पर इन दोनों दालों का जो है मैंने धुली हुई ली है, छिलके वाली दाल जो होती है वो नहीं ली है, छिलका उधरी दाल ली है। चावल लेंगे, इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज़ होगा। सॉल्ट है, नमक, टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर, बे लीफ है, तेज़पत्ता। और ये लेफ्ट ओवर कोरमा है ये, यहाँ पर मैंने मटन का कोरमा यूज़ किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो बीफ और चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू कर दिए। और अगर आपके पास ये लेफ्ट ओवर कोरमा नहीं है तो कोरमे की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वो देख सकती हैं। दो तीन तरह के कोरमे हैं वहाँ पर, आपको जो भी ईजी लगे, जो भी टेस्टी लगे, आप उसको कोरमे को बना लीजिए और फिर इसी तरह से दलिया तैयार कीजिए। तो चलिए अब हम दलिया की तैयारी शुरू कर दिए। सबसे पहले जितनी भी ये दालें हैं और ये चावल है, इन सबको हमें एक बड़े बर्तन में जो है मिक्स कर लेना है, और उसके बाद इसे हमें पानी में सोक कर देना है तकरीबन एक घंटे के लिए, जो कि ये देखिए मैंने पहले से करके रखा है। इन सारी दालों को, चावल को मैंने मिक्स कर लिया, और उसके बाद में इसे एक घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया अच्छे से वॉश करने के बाद में। तो ये चावल, दाल और चावल जो है अच्छे से सोक हो चुके हैं। अभी हम दलिया लेंगे, इसको एक बड़े बोल में डाल देंगे, और इस दलिये को भी हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये देखिए, इसे हाथों से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे रब सा कर देंगे हम। और ये देखिए दलिये की गंदगी ऊपर आ गई। अब इसको हम ऐसे करके पानी को निचोड़ देंगे, और इसी तरह से हम दलिये को दो तीन बार वॉश करेंगे। और देखिए दलिये को हमने दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए इसे हम जो है प्रेशर कुकर पैन में बनाएंगे, तो उसके लिए हमने प्रेशर कुकर पैन लिया, और जो इतनी भी दाल चावल हमने पानी में सोख करके रखे हैं वो सब इस कुकर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए इसमें सारी दालें और चावल हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इसी में हम ये दलिया भी डाल देंगे, देखिए दलिया भी हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, देखिए इसमें हमने पानी डाल दिया। अब इसमें हम ये जो पाउडर मसाले थे और तेज़पत्ता था ये सब डाल देंगे, इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब इसे हम कवर करके रख देंगे लिड लगा कर, तकरीबन दो विजल आने तक, यानी कि दो सीटी के आने तक, दो सीटी हमें इसमें हाई फ्लेम पर लेनी है। और उसके बाद में इसमें हम 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम पे कर देंगे, क्योंकि इन दालों को हमें बिल्कुल अच्छे से गला लेना है। तो अब इसे हम कवर करके रख देते हैं, और 10 मिनट के बाद में बिल्कुल लो टू मीडियम के बीच में रख के, जब 10 मिनट कम्प्लीट हो जाएंगे तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज होने देंगे। देखिए इसका प्रेशर अपने आप रिलीज हो गया, और बिल्कुल कुकर जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम सबको मिक्स कर लेंगे, देखिए कितने अच्छे से दाल दलिया सब चीज़ बहुत अच्छे से इसमें मैशी हो गई है। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए इसको हमने बहुत अच्छे से चला लिया है, ये अभी बहुत ज़्यादा थिक है तो इसको अभी हमें थोड़ा सा पतला करना है। तो उसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे, देखिए इसमें हमने पानी डाल दिया है, पानी के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे।
देखिए इसमें पानी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसको हमें इतना ही रखना है क्योंकि अभी इसे हमें पकाना है। अब इसके साथ इसमें जो ये कोरमा रखा है ये इसमें डाल देंगे हम। गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ऑल स्पाइसेस पाउडर, थोड़े से इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, ग्रीन चिली। ये देखिए बस थोड़ी सी मैंने उठा ली है गार्निशिंग के लिए। ऐसे इसमें थोड़े से अदरक डाल देंगे हम, अदरक के जूलियंस। ये अदरक भी थोड़ी सी उठा ली हमने गार्निशिंग के लिए। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम कवर करके रख देंगे एक विजिल आने तक बस। और हाई फ्लेम पर एक सीटी लेंगे इसमें हम, क्योंकि इसमें हमने पानी डाला है कच्चा पानी, तो वो भी पकना चाहिए। गोश्त वगैरह कोरमा जो भी है मसाले वो सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए इसमें अब हम एक सीटी ले लेंगे। और एक सीटी आने के बाद में गैस को हम ऑफ कर देंगे और उसका प्रेशर अपने आप रिलीज होने देंगे। ये देखिए सीटी आने के बाद में मैंने जो है गैस को ऑफ कर दिया था और उसका प्रेशर अपने आप रिलीज होने दिया। ये कुकर का प्रेशर, इसका प्रेशर जो रिलीज हो चुका है, अब इसको हम खोलेंगे। और ये देखिए दलिया बन के हमारा बिल्कुल तैयार है। ये बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसमें इसके हम जो है तड़का लगाएंगे। ये देखिए तड़का लगाने के लिए हम एक तड़का पैन लेंगे, उसमें घी डालेंगे। देखिए घी को मेल्ट होने के लिए हमने गैस के ऊपर रख दिया है। देखिए घी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें अभी हम ये कटी हुई प्याज डाल देंगे, अनियंस इसको हमने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कर लिया है। इसको हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए तड़का हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम प्रेशर कुकर पैन में डाल देंगे। देखिए तड़का हमने इसमें डाल दिया। अब इसे हम कवर करके रख देंगे बस 2 मिनट के लिए, जिसे तड़के की खुशबू दलिये में आ जाए और उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे। और ये देखिए गरम गरम मटन कोरमे से बना हुआ दलिया बिल्कुल तैयार है, नमकीन दलिया। ये बहुत ही टेस्टी बना है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मैंने हरे धनी और हरी मिर्च से और उसके अदरक के जो है जूलियन से, प्याज से और नींबू से गार्निश किया है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है और बनने में भी बहुत आसान है। और ये बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि इसे मैंने प्रेशर कुकर पैन में बनाया है इसलिए। तो आप इसको मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। गरम गरम ये नमकीन दलिया बहुत ही मजे का लगता है। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।